आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर लेबनान से है। अल अरेबिया के हवाले से खबर आई है कि हिजबुल्ला के शुरा काउंसिल ने हसन नसल्ला के भाई हाशिम सैफी अल दीन को हिजबुल्ला का नया चीफ चुन लिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद हिजबुल्ला की ओर से इस खबर को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि हिजबुल्ला ने सैफी अल दीन को अपने राजनीतिक और मिलिट्री विंग का चीफ अभी तक नहीं चुना है। हालांकि जब से इसराइल के हमले में हिजबुल्ला चीफ सैयद हसन नसल्ला की मौत हुई है, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं और दुनिया के तमाम विशेषज्ञों का दावा है कि हिजबुल्ला का अगला चीफ हसन नसल्ला का भाई सैफी अल दीन बन सकता है। तो यह बड़ी जानकारी हिजबुल्ला के नए चीफ का जो है दावा किया गया है। हिजबुल्ला ने अल अरबिया के दावे को खारिज किया है। यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं लेबनान से। हाशिम सैफी अल दीन हसन नसल्ला का भाई है और अल अरबिया ने जो है हिजबुल्ला के नए चीफ का दावा कर दिया है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्ला के चीफ हसन नसल्ला की मौत के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि आगे क्या, हसन नसल्ला का बदला कौन लेगा? क्या यह बदला हिजबुल्ला लेगा या फिर ईरान लेगा? समझिए इस रिपोर्ट में। बेरूत की इमारतें चीख चीख कर पूछ रही हैं, क्या इनका हाल गजा जैसा होने जा रहा है? लेबनान की राजधानी में यही वो जगह है जहां इसराइल ने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को अंजाम दिया और फिर पूरी दुनिया ये खबर देखकर चौंक गई कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत हो चुकी है। सवाल है कि हसन नसरल्ला की मौत के बाद अब क्या होने जा रहा है? हसन नसरल्ला का बदला कौन लेगा? क्या ये बदला हिजबुल्ला लेगा या ईरान लेगा? ईरान में 5 दिन के शोक के बाद क्या 3 अक्टूबर को ईरान कर देगा इसराइल पर बड़ा हमला? सवाल ये भी है कि क्या ईरान अब इस्माइल हानिया के साथ साथ हसन नसरल्ला को मारने वालों से डबल बदला लेगा? इस वक्त ईरान, लेबनान और गजा के बचे कुचे उन इलाकों में मातम का माहौल है जो हसन नसरल्ला के अंदर इसराइल से टक्कर लेने वाली ताकत देखते थे। प्रदर्शन यरूशलम और इराक से लेकर इटली तक हो रहे हैं। तेहरान में भी नसरल्ला के मारे जाने पर इसराइल का विरोध हो रहा है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को हमास के बाद इसराइल का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है। नसरल्ला पूरे अरब वर्ल्ड में अकेली ऐसी आवाज और पावर थी जो गजा के मुद्दे पर इसराइल को लगातार चैलेंज कर रही थी। अब इन तीनों जगहों के लोगों में इसराइल को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तेहरान, जहां से हिजबुल्ला के पावर सेंटर की बैटरी चार्ज होती रही है, वहां नसरल्ला की मौत पर गुस्सा बहुत ज्यादा है। लोग हिजबुल्ला के पीले झंडों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसराइल से बदला लेने की मांग की जा रही है। सवाल है कि क्या ईरान की पब्लिक का मूड अब वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रणनीति पर भारी पड़ेगा? क्या ईरान से इसराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे? क्या इनकी तादाद सैकड़ों में होगी? सैकड़ों मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन। क्या ईरान ने इसराइल को जो ट्रेलर 13 अप्रैल को दिखाया था, अब उसकी पूरी पिक्चर दिखने जा रही है? ज़ायए बुज़ुर्ग हस्त वली हिच खलली दर मुक़ावमत इजाद नखवाहत करत व हमतौरी के शहादत اول دبیر کل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی و
और चले रुक करते अगली खबर की ओर। इस्माइल हानिया के बाद हसन नरसल्ला पर हमला, ये सीधा साधा ईरान को चैलेंज है। ईरान हानिया को बचाने में फेल हुआ, वे हसन नरसल्ला को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब वो बदला लेकर इस बेइज्जती का नुकसान पूरा करना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। इसराइल से बदला लेने वाली ईरान की लिस्ट में क्या क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान के नेता साफ साफ अपनी स्ट्रैटेजी ना बताएं, लेकिन ये बात साफ है कि ईरान इस वक्त इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बदला लेना चाहता है। ईरान इस वक्त इसराइल की सेना से बदला लेना चाहता है। ईरान इसराइल के मिलिट्री अड्डों को तबाह करना चाहता है। ईरान इसराइल के बंदरगाहों को तहस नहस करना चाहता है। ईरान इसराइल की लीडरशिप से बदला लेना चाहता है। इस्माइल हानिया के बाद हसन नसरल्ला पर हमला, ये सीधा सीधा ईरान को चैलेंज है। ईरान हानिया को बचाने में फेल हुआ, वो हसन नसरल्ला को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब वो बदला लेकर इस बेइज्जती का नुकसान पूरा करना चाहता है। इन गुने टेररहाये कूर व वहशियाने नतीजे बराय बगाय इन रेजिम नखाहद दाश्त و این از روی استیصال هست و عرض کردم نتیجه این ایران کے ٹارگٹ پر اسرائیل ہے اور پچھلی بار کی طرح اس بار داؤں پر بہت کچھ لگا ہوا ہے سوال ہے کہ ایران کیسے بدلہ لے گا ایران کس سے بدلہ لے گا ایران کہاں کہاں بدلہ لے گا इन तीनों सवाल में ईरान की रणनीति छुपी है। उसके फैसले ने पूरे इसराइल से लेकर अमेरिका तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल है, ईरान की ताकत उसके ड्रोन है। ईरान ने 13 अप्रैल को भी जब इसराइल पर हमला किया था, तब उसने करीब 300 ड्रोन और मिसाइल इसराइल की तरफ दागी थी। इसराइल ने दावा किया था कि उसने 98% हमलों को नाकाम कर दिया था, लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि ईरान ने हमले से पहले बता दिया था कि वो हमला करने वाला है, यानी इसराइल के पास रिएक्ट करने या कहें कि मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का टाइम था। क्या इस बार उसे ईरान यह आसान ऑप्शन देगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 है? और क्या इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 है? ईरान की नजर अमेरिका पर भी है, और अगर ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका दखल देता है तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी ईरान के मिसाइलों की बरसात हो सकती है। ये बात अमेरिका ने इसराइल को भी बता दी है, और उसके हिसाब से पेंटागन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है। बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने कहा है कि वो सीज फायर चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई क्या ऑर्डर देंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान क्या करेंगे? इस पर बहुत से सवाल हैं, लेकिन ईरान का मूड समझना है तो ईरान के लोगों का मूड समझने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। हसन नसरल्ला की मौत से करीब 2 महीने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कह चुके हैं कि इस्माइल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे, लेकिन अगस्त में ईरान की धमकी के बाद सितंबर का महीना खत्म हो चुका है, इसलिए ईरान ने अगर अब भी जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। तुर्की ने भी कहा है कि नसरल्ला की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। नसरल्लाह bölgenin önemli figürüydü, Lübnan için önemli figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hem Hizbullah için hem İran için Nasrallah. İran ke Supreme Leader Ali Khamenei kya order denge? İran ke naye Rashtrapati Masoud Pezeshkian kya karenge? Is par bahut se sawal hai.
लेकिन ईरान का मूड समझना है तो ईरान के लोगों का मूड समझने की जरूरत है। ईरान की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगे हैं, ईरान की बड़ी बड़ी इमारतों पर इसराइल को ड्रोन अटैक से तबाह करने वाली बातें लिखी हैं। इस पोस्टर को देखिए, लिखा है कि इसराइल अगले 25 वर्षों तक बाकी नहीं रहेगा, इसलिए इस बार इसराइल की लीडरशिप पर ईरान की नजर है। इसलिए सवाल है कि क्या इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 है? قوی تر شدن حزب الله شد که با وضع امروز اصلا قابل مقایسه نیست میزان قدرتی که حزب الله پیدا کرد. من اطمینان دارم که شهادت سید حسن نصرالله، خون شهید سید حسن نصرالله. اگلے 24 گھنٹے اسرائیل، ایران، لبنان اور پورے فلسطین کے لیے بہت خطرے سے بھرے ہیں۔ غزہ میں بم لگاتار پھٹ رہے ہیں، لبنان میں بھی اسرائیل لگاتار بم گرا رہا ہے۔ اب اس یدھ کا دائرہ خان یونس اور رفا کی گلیوں سے آگے بڑھ کر بیروت اور تہران تک جا پہنچا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایران جواب ضرور دے گا، کیونکہ 13 اپریل کو ایران ایسا کر چکا ہے۔ سوال بس وقت کا ہے، جس کا فیصلہ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنے ہی کریں گے۔ हसन नसरल्ला का शव मलबे से निकाल लिया गया है और आज उसका अंतिम संस्कार हो सकता है। इस बीच बताया गया है कि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरीर पर अगर चोट के निशान नहीं है तो फिर उसकी मौत की वजह क्या बनी, आखिर कैसे हुई नसरल्ला की मौत? इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गया हसन नसरुल्लाह का शव। नसरुल्लाह के शरीर पर नहीं चोट के निशान। क्या बनी हसन नसरुल्लाह की मौत की वजह? लेबनान में शुक्रवार शाम हुए हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरुल्लाह का शव बरामद कर लिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बेरूत में इजरायली हवाई हमले के बाद मलबे में बदले बंकर से काफी खोज के बाद हसन नसरुल्लाह के शरीर पर सीधी चोट का निशान या कोई घाव नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ब्लास्ट के बाद दम घुटने और ट्रॉमा से नसरुल्लाह की मौत हो गई। दरअसल इसराइल की ओर से हमले के बाद ये दावा कर दिया गया था कि उसने नसरुल्लाह को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने शनिवार को बयान जारी कर नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि भी की थी। इजरायली आर्मी ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर किए गए सीक्रेट ऑपरेशन में शुक्रवार को उसे अंडरग्राउंड भूमिगत बंकर पर हमला किया था, जहाँ नसरुल्लाह और कई दूसरे हिजबुल्लाह कमांडर बैठक कर रहे थे। ये बंकर दक्षिण बेरूत की एक व्यस्त सड़क से 60 फीट नीचे होने का दावा किया गया था। चौसठ साल का नसरुल्लाह दुनिया के सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठनों में एक हिजबुल्लाह का नेतृत्व बीते 3 दशक से संभाल रहा था। इसराइल रक्षा बल ने हिजबुल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान में हमले जारी रखे हैं। इजरायली सेना लगातार लेबनान, खास तौर से दक्षिणी लेबनान में बम बरसा रही है। और ईरान से इसराइल को डराने वाली खबर है। ईरान का पूरा मिसाइल गोदाम एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच सऊदी अरब जो है खबरों में वायरल हो गया है। खबर ऐसी है कि पूरा अरब वर्ल्ड हैरान है। देखिए रिपोर्ट। ईरान का ऐलान, अब जंग लड़ेंगे 57 मुस्लिम देश। बत्तीस साल तक हिजबुल्ला का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्ला मारा जा चुका है।
लेबनान से लेकर ईरान तक नसरुल्लाह की मौत पर 5 दिन तक का मातम मनाया जा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनेई को गुप्त बंकर में पहुंचा दिया गया है। ईरान को डर है कि नेतन्याहू के न्यू ऑर्डर ऑपरेशन के तहत कई इजरायली सेना ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनेई को भी नसरुल्लाह की तरह मार सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि ईरान ने अब इस्लाम के नाम पर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। ईरान अब पूरे मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज इसराइल हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है, कल ईरान को बर्बाद करेगा और फिर किसी और मुस्लिम देश को इजरायली सेना तबाह करेगी। इसलिए बेहतर है कि सभी 57 मुस्लिम देश मिलकर इसराइल से जंग में मुकाबला करें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 57 मुस्लिम देश मिलकर इसराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? زمان این شهادت ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیر کل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی हम आपको हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान से जुड़ी इस खबर में ऐसे हैरान और दिलचस्प करने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जहां आपको पता चलेगा कि इसराइल ने कैसे जबरदस्त हमलों से लेकर ईरान के इस्लामिक जंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से ईरान हिजबुल्लाह की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लाश हमला होने के 20 घंटे बाद मिल पाई है, तब जाकर हिजबुल्लाह ने उसकी मौत की पुष्टि की है। इजरायली फाइटर जेट ने 80 टन बमों से धमाके किए थे जिसकी वजह से लाशों के चीथड़े उड़ गए थे। इधर ईरान पर भारी दबाव है कि वो इजरायल पर जबरदस्त पलटवार करे, लेकिन ईरान हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इधर इजरायल ने महज 10 दिन के अंदर ही इतने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं कि हिजबुल्लाह चीफ से लेकर हिजबुल्लाह के 17 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि घातक और लंबी दूरी मिसाइलों से इसराइल पर हमला करने का प्लान बुरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया जा रहा है कि नसरुल्लाह के साथ साथ ईरान की IRGC का डिप्टी कमांडर अब्बास निलफोरूसन और हिजबुल्लाह के कम 8 कमांडर मौके पर ही मारे गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन भरे पड़े हैं, लेकिन कोई इसराइल पर हमला करने का आदेश देने वाला नहीं बचा है। इधर ईरान को डर है कि अगर इसराइल पर ईरान ने हमला किया तो इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर चारों तरफ से हमला कर देगा। इधर हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर हमला कैसे होगा, हमला कहां से होगा और कौन से हथियार से इसराइल पर हमला किया जाएगा, इस पर जंगी फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर जिंदा नहीं बचा है। हिजबुल्लाह इस वक्त बिना दांत और नाखूनों वाला शेर बनकर रह गया है। ईरान, इराक, सीरिया, यमन, 4 देशों पर न्यू ऑर्डर हमला। इधर ईरान तेजी से अब हिजबुल्लाह से ज्यादा खुद को बचाने में जुट गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि कई मुस्लिम देश इसराइल के साथ मिल चुके हैं, जिसकी पुख्ता खबर इससे पहले ईरान के पास नहीं थी। लेकिन 27 सितंबर दिन शुक्रवार को UN में भाषण के दौरान PM नेतन्याहू ने अपने दोनों हाथों में एक ऐसी तस्वीर पकड़ी हुई थी जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगला टारगेट 4 देश होने वाले है। नेतन्याहू ने ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दुनिया के लिए अभिशाप बताया है और इसके खात्मे की कसमें खाई हैं। חלה התוכנית להשמדת ישראל הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. ולכן בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצהל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים סעודי ירה מיסטר סודאן קה איראן לימנן סדהוקה नेतन्याहू ने UN में जिस हरे रंग वाले नक्शे को दुनिया को दिखाया था उससे सबसे ज्यादा हैरान ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया के लड़ाके हुए हैं। ईरान को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर 3 मुस्लिम देश इसराइल के साथ क्यों खड़े हैं। नसरुल्लाह की मौत से खौफ इसराइल के साथ आए 3 मुस्लिम देश। PM नेतन्याहू ने UN में एक नक्शे को दिखाया जो हरे रंग से रंगा हुआ था। इस हरे रंग वाले नक्शे में भारत समेत 3 ऐसे मुस्लिम देश दिखाए गए हैं जिनके बारे में नेतन्याहू का दावा है कि ये इसराइल के दोस्त हैं। नेतन्याहू ने जिन 3 मुस्लिम देशों को अपना दोस्त बताया है वो है सऊदी अरब, मिस्र और सूडान। हैरानी की बात तो ये है कि सऊदी अरब, मिस्र और सूडान के बारे में माना जा रहा था कि ये हमास, हिजबुल्लाह और हूती के ऊपर इजरायली हमलों का विरोध करते हैं। ऐसे में ईरान जिन 57 मुस्लिम देशों के दम पर इसराइल से जंग करने की सोच रहा है उसे नेतन्याहू के हाथ में मौजूद हरे रंग के नक्शे ने खत्म कर दिया है।
ईरान बुरी तरह से फंस गया है। ईरान ने गुप्त सुरंगों और बंकरों में हजारों मिसाइलों, रॉकेट, ड्रोन को भर रखा है, जिसकी इसराइल को भनक लग चुकी है। ईरान को अब ये डर सता रहा है कि सुरंगों में मौजूद उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायली सेना कहीं उड़ा ना दे। कुछ दावों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास हैं, जबकि ईरानी ड्रोन के बारे में इजरायली सेना को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी संख्या में है। लेकिन इसराइल ने अपनी हमले की नीति से दिखा दिया है कि हम हथियार चलाने वाले दिमाग और हाथों को पहले तबाह करेंगे ताकि तुम हथियार चलाने लायक ही ना बचो। इसके बावजूद खामिनेई को लगता है कि हिजबुल्ला जंग जीत सकता है। नसरुल्लाह के मरने से पहले खामिनेई इसी तरह की लंबी लंबी डींगे मार रहे थे। به شهادت سوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از جنرال مارو جنگ جیتو، کماندر مارو کهرام مچاو۔ اسرائیل نے غزہ جنگ سے سبق لے کر حزب الله کے خلاف ایک فارمولا خوب استعمال کیا ہے، جنرال مارو جنگ جیتو، कमांडर मारो कोहराम मचाओ। इसराइल ने हिजबुल्ला के टॉप कमांडरों को मारकर संगठन के मनोबल को तोड़कर रख दिया है। इसराइल ने सबसे पहले हिजबुल्ला के अजीज यूनिट के कमांडर मोहम्मद नस्सर को ढेर किया। इसके बाद नस्सर यूनिट के कमांडर समी तालेब अब्दुल्ला को मार गिराया। रॉकेट और मिसाइल डिवीजन के कमांडर इब्राहिम कुवैसी को बेरूत में मारा। इसराइल पर रॉकेट बरसाने वाले कमांडर इब्राहिम मोहम्मद को मारकर इसराइल ने हिजबुल्ला के हवाई हमलों की क्षमता को सीमित कर दिया। इसके बाद राजमान फोर्स के कमांडर इब्राहिम अकील को मारा। उससे पहले रणनीतिक यूनिट के प्रमुख फुहाज शुकर को बेरूत में ढेर किया। इसराइल पर हमला हिजबुल्ला के दक्षिणी फ्रंट से हो रहा था। सबसे पहले इसराइल इसी फ्रंट के प्रमुख अली कराकी को मौत के घाट उतारा। उसकी मौत की वजह से इसराइल पर हिजबुल्ला के हमलों में भारी कमी आई। इसके बाद कमांडर विस्तम अल तवील को मार गिराया। रेडवान फोर्स को ट्रेनिंग देने वाले अबू हसन समीर को मौत की नींद सुलाया। इसराइल पर निगरानी करने वाले एरियल यूनिट के कमांडर मोहम्मद हुसैन को मारकर इसराइल ने संगठन की ताकत को बेहद कमजोर कर दिया। 27 सितंबर को इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्ला के सरगना हसन नसरुल्लाह को मारकर हिजबुल्ला की कमर तोड़कर रख दी है। अब ऐसे हालात में ईरान क्या इसराइल से हिजबुल्ला चीफ की मौत का बदला लेने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हिजबुल्ला के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह का आज अंतिम संस्कार किया जा सकता है। सऊदी मीडिया के हवाले से खबर है कि अंतिम संस्कार के समय ही नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी की भी घोषणा हो सकती है, यानी नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह अपने नए चीफ का ऐलान कर देगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि नसरुल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्लाह का नया चीफ बन सकता है। आपको बता दें कि सफीद्दीन नसरुल्लाह और नईम कासिम के बाद के टॉप 3 नेताओं में शामिल है। इसके साथ ही वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है। वो हिजबुल्लाह की जिहाद परिषद का भी सदस्य है। तो ये बड़ी जानकारी सऊदी मीडिया के हवाले से, ये खबर जहां पर अंतिम संस्कार के बाद आज उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया जाएगा, ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है।